जी हाँ, मुझे भगवान की तरह पूजता था मेरा बेटा मुझसे वाला। सही सुन रहे हैं आप, मेरी माँ मेरा रब। बिल्कुल, लोग भगवान की पूजा करते हैं। सिद्धू मूसेवाला जी जो थे अपने माता पिता की पूजा करते थे सदैव, और घर से बाहर जाने से पहले अपनी माता के हाथ से जो है पगड़ी पहनते थे, काला टीका लगवाते थे, उसके बाद ही घर से बाहर जाया करते थे, दही चीनी खाकर घर से बाहर जाया करते थे। लेकिन मृत्यु वाले दिन जो है 29 मई का वो काला दिन, जब सिद्धू मूसेवाले जी ने ना अपनी माँ के हाथ से काला टीका लगवा पाए और ना ही दही चीनी खा पाए और ना ही पगड़ी बंधवा पाए थे। सही सुन रहे हैं आप, भावुक माँ जो है अपने बेटे को लेकर कई तरह की बातों का खुलासा किया है हाल ही में। एक एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद ये बातें एक माँ के मुँह से सुनकर आपकी भी आंखों में जो है आंसू आ सकते हैं। इसलिए अपने दिल को जरा थाम कर बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि एक माँ ने जो है अपने नौजवान पुत्र को खोया और उसके इंसाफ के लिए दर बदर भटकती रह रही हैं इस वक्त। उनको जो है इंसाफ चाहिए, और अभी तक 2 महीने से ऊपर हो चुका है, इंसाफ उनके बेटे को पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और उनकी हेल्थ भी जो है काफ़ी ख़राब होती जा रही है, काफ़ी वीक होती जा रही हैं। ख़ास तौर पर सिद्धू मूसेवाले की माता चरण कौर जी, बताया जा रहा है कि कल के दिन ही हवेली पर जो है डॉक्टरों की कई टीम बुलाई गई और उनका बीपी चेक करवाया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि एकदम से जो है जो लोग उनसे मिलने आते हैं रोज़, उनसे उनके फैंस सिद्धू मूसेवाले जी के, उनसे बातें करते करते जो है अचानक से उन्हें चक्कर आ गया बताया जा रहा है, जिसके बाद से जो है उन्हें रेस्ट के लिए बोला गया है। रेस्ट के लिए आपको बता दें, पहले भी बोला गया था कि माता चरण कौर जी को खास तौर पर रेस्ट की आवश्यकता है, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, और बात बीच में ये भी आई थी कि कुछ दिनों के लिए वो हवेली छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अभी वो उनका प्लान कैंसिल हो गया है। और उन्होंने पोस्ट के माध्यम से जो अपने बेटे को ट्रिब्यूट देने के लिए टैटू बनवाया है, उसको फैंस खूब ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर अपने बेटे का नाम ना लिखवा कर बल्कि माता चरण कौर जी ने पंजाबी में अपने हाथ पर लिखवाया श्रवण पुत्र। जी हाँ बिल्कुल, अपने श्रवण पुत्र को याद करके कई बार जो है हवेली की तरफ, हवेली के कोनों में देखकर रो पड़ती हैं माता चरण कौर। बेटा तो चला गया, लेकिन हवेली के हर एक कोने में, हर एक ईंट के अंदर जो है सिद्धू मूसेवाला दिखाई देते हैं। बिल्कुल अभी भी अपने बेटे के हत्या का जो दर्द है, गम है और गुस्सा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है एक माँ के दिल से। वो तभी ख़त्म होगा जब सिद्धू मूसेवाले जी को पूरी तरह से इंसाफ मिलेगा, जब गोल्डी बरार को जो है इंडिया लाया जाएगा और कड़ी पूछताछ की जाएगी। जी आपको बता दें, जब माता चरण कौर जी के और पिता के सिर में दर्द भी होता था थोड़ा सा भी, तो बेटा सिद्धू जो था पूरे गांव को सिर पर उठा लेते थे, पूरे मूसा गांव को सिर पर उठा लेते थे और अपने दोस्तों से कहते थे फटाफट डॉक्टर को बुलाओ, मेरी माता के सिर में दर्द है और मैं अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकता। मतलब अगर सिद्धू मूसेवाले जी ने इतनी दौलत शोहरत कमाई तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, और वही स्ट्रगल की वजह से जो है आज सिद्धू मूसेवाले जी को पूजते हैं लोग। आज बच्चे बच्चे के लिए जो हैं सिद्धू मूसेवाले जी रोल मॉडल हैं और सभी इनसे इंस्पायरिंग है। बिल्कुल, आप स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को ही देख लीजिए, विकास ठाकुर जी को, जिन्होंने जो है सिद्धू मूसेवाले जी को प्यारा सा ट्रिब्यूट दिया जब वो सिल्वर मेडल जीते, उस वक्त वेट लिफ्टिंग के दौरान जो है सिद्धू मूसेवाले जी को थापी मारकर सिद्धू मूसेवाले जी को जो है ट्रिब्यूट दिया। और फैंस खूब पसंद कर रहे हैं विकास ठाकुर जी के इस वीडियो को, साथ ही उन्होंने कैप्शन भी मेंशन किया सिद्धू मूसेवाले जी की ये फोटो शेयर करके, जो कि आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं दोस्तों। विकास ठाकुर लिखते हैं सिद्धू मूसेवाले जी के लिए, फीलिंग एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड बाय द वार्म विशेस रिसीव्ड, पेइंग ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला बाय दिस। आगे ये भी लिखते हैं विकास ठाकुर सिद्धू मूसेवाले जी के लिए कि हिज सॉन्ग्स हैव प्लेड ए मेजर रोल इन डे टू डे ट्रेनिंग सेशन। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया से जब वो खेलने के लिए जा रहे थे वेट लिफ्टिंग के लिए, तब भी पूरे रास्ते जो है सिद्धू मूसेवाले जी का ही गाना चला कर गए। तो ये है सिद्धू मूसेवाले जी का जलवा, ये कमाया है उन्होंने 28 साल की उम्र में, और माता और पिता को बहुत प्राउड है
अपने बच्चे पर, बिल्कुल अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजते थे सिद्धू मूसेवाला जी।